लेकिन शेख मैं बताना चाहता हूँ कि संडे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरा डेटेड 4th अगस्त 2024 जो ये है जो आपके स्क्रीन पे भी है जिसमें बताया गया है कि जिशान सिद्दीकी जो के बांद्रा के एमएलए कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हाल फिलहाल में 30 जुलाई और 31 जुलाई को एसआरए के ऑफिसर्स अपना सर्वे कर रहे थे संत ज्ञानेश्वर नगर बांद्रा ईस्ट में, तो वहां पे जिशान सिद्दीकी और उनके 7-8 एसोसिएट्स वहां गए और वहां पे जो एसआरए के ऑफिसर थे नायब तहसीलदार उनके काम में रुकावट डाल रहे थे, ऑब्स्ट्रक्टिंग कर रहे थे, रुकावट डाल रहे थे, जिसकी वजह से नायब तहसीलदार सलम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी इन शॉर्ट एसआरए उन्होंने खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर की, जिसकी वजह से ना सिर्फ सिटिंग एमएलए फ्रॉम कांग्रेस पार्टी जिशान सिद्दीकी बल्कि वो 7-8 जो उसके एसोसिएट से उन सब पे एफआईआर रजिस्टर हुई खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन बांद्रा मुंबई में। तो देख लीजिए कि ये कानून है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी अपनी सर्विस अंजाम दे रहा है, जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, जो भी एक्शन ले रहा है और उस वक्त जाके लोकल कॉर्पोरेटर रहे या एमएलए रहे या एमपी रहे, वो अपना पावर दिखा के अपना दबदबा दिखा के अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को दबाने की कोशिश करता है या उसके काम में खलल डालता है तो डायरेक्टली एफआईआर होती है। अब ये जिशान सिद्दीकी पे एफआईआर होगी क्योंकि हमने देखे, हमने सिटीजन को देखे, बहुत सारे सिटीजन को देखे, वो सिर्फ जो उछलते हैं ना कॉर्पोरेटर पे उछलते हैं। जैसे कि मुंबई में तो अभी कॉर्पोरेटर है ही नहीं, 22 में इलेक्शन होना चाहिए था, 24 खत्म होने पे आ रहा है, कोई कॉर्पोरेटर नहीं, लेकिन जो एक्स कॉर्पोरेटर है वो अब भी अपना मनमानी अपना दबदबा वार्ड के जो ऑफिसर है उन पे दबाने की कोशिश करते हैं। सिटिंग एमएलए रहे या एक्स एमएलए रहे वो भी अपना पावर आज भी दबाने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए जिशान सिद्दीकी कांग्रेस का एमएलए बांद्रा से सिटिंग एमएलए, बाप भी बहुत ऊंची पोस्ट पे बाबा सिद्दीकी, तो उसके बावजूद भी खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई क्योंकि वो लोग खलल डाल रहे थे, एसआरए का जो सर्वे हो रहा था उसमें खलल डाल रहे थे, जिसकी वजह से ना सिर्फ जिशान सिद्दीकी बल्कि उसके साथ जो एसोसिएट से 7-8 उन सब पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। तो अब सिटीजन को समझ लेना चाहिए कि भरोसा करे तो मालिक पे, ना कि ये कॉर्पोरेटर एक्स कॉर्पोरेटर एमएलए एक्स एमएलए, क्योंकि सिटीजन की आदत है वो उन पे उछलने की कोशिश करते हैं। अफवाह आ रही है कि आप सब नहीं चाहते हो कि मैं आप सबके बीच में, सही है क्या? आपके सबकी संघर्ष की जो लड़ाई है वो मैं हमेशा लड़ते रहूंगा। मैं सिर्फ जो मैंने चीजें कही थी वो फिर से एक बार दोहरा रहा हूं। जो सर्वे हो रहा है, अगर आपको सर्वे नहीं कराना है और आपसे जोर जबरदस्ती हो रही है तो आप सीधा इनकार कर सकते हैं, आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, सीधी बात है। अगर कोई कर रहा है तो हम कौन होते वाले हैं उनको बोलने वाले? आज सुबह मेरे घर पर भी पुलिस आई थी, मुझ पर भी एफआईआर हुआ है, शायद से मैं भी आज मुझे भी अरेस्ट किया जा सकता है, मगर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है और कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे अरेस्ट किया भी जाता है तो मैं आप सबको फिर एक बार कहता हूं कि जिसको सर्वे करना है वो ठीक है, मगर अगर आपको सर्वे नहीं करना है तो कोई जोर जबरदस्ती आप नहीं सहेंगे, है कि नहीं?